नमस्कार जोहर, मैं हूँ संजय माथा जी। फोकस टीवी चैनल आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए चंदन केरी प्रखंड के अंतर्गत बारकामा गांव के समीप विवाह मंडप पर ग्रामीण चिकित्सकों की एक बैठक रखी गई है संगठन की ओर से। ग्रामीण चिकित्सक जो संगठन है अब तक प्रोग्रेसिव मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बैनर तले ये बैठक रखा गया है। ये जो तस्वीर देख रही है वो तस्वीर है जो कोरोना काल में भगवान के रूप में काम किए हैं और ग्रामीणों को जान बचाने में ये लोग साबित हुए। आज कोरोना काल में अगर ये ग्रामीण चिकित्सक नहीं रहते, ये तस्वीर नहीं रहते, वो तस्वीर है ग्रामीण चिकित्सकों की जो कोरोना काल में सरकारी अस्पताल में हो या प्राइवेट अस्पताल में कहीं पर भी आपका बेड नहीं मिल रहा था, लोगों को इलाज करने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, और इन्होंने वो काम किया है कि लोगों को जान बचाने में साबित हुआ है, बीच की पत्थर के रूप में साबित हुआ है। इन लोग ने एक एक परिवार को जाकर लोगों का इलाज किया है अपने तौर तरीका से और लोगों को जान बचाने में लोग कामयाब हुए हैं। आज ये लोग नहीं रहता, ये लोग भगवान के रूप में काम नहीं करता, ये ग्रामीण चिकित्सक नहीं रहते, ये डॉक्टर नहीं रहते तो आज गांव के कितने लोग रहते नहीं रहते, गांव के कितने मासूम बच्चे नहीं रहते। आज इन लोगों ने जान बचाने का काम किया है। चलिए इंसान जुड़ते हैं ग्रामीण चिकित्सकों से और हम जानना चाहेंगे कि आप लोग संगठन की ओर से सरकार से क्या मांग करते हैं और सरकार से क्या चाहते हैं, और झोला छाप के नाम से जो आप लोग कलंकित किया जा रहा है वो कलंकित आप लोग कब मिटाइएगा, उसके लिए आप क्या चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नरेश चंद्र माता है, मैं भोजपुर से हूँ। चंदन के अंतर्गत हम लोग ग्राम संगठन की क्या संगठन के प्रखंड अध्यक्ष हैं। सर आपके आज के बैठक जी, इसका सर आप क्या चाहते हैं, सरकार के क्या संदेश आते हैं बैठक का, मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी तौर से जितने भी प्रशिक्षण का है तो हम लोग ग्रामीण प्रशिक्षण दे ग्रामीण प्रैक्टिशनर को और अपना काम ले, और ये झोला छाप का संज्ञान जो देते हैं वो हम लोग मिटा। सर आपने कोरोना काल में भगवान के रूप में काम किया, सर आप लोग नहीं रहते सर, कितने घर लोग उजड़ जाते, कितने परिवार उजड़ जाते, सर आप लोग काम के फिर भी आपको झोला छाप के नाम से क्या जाने जाते हैं। सर ये सरकार तो जानती है कि हम लोग कितना किए हैं क्या नहीं किए हैं। निश्चित रूप से सर, क्या तो एक MBBS को उस समय जाते थे तो दूर से देखता था, एक पेशेंट को दूर से देखता था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और हम लोग सामने से उसका हाथ में देख के उसका घर जाके हम लोग उसका सेवा दिए हैं, और उसके बाद भी हम लोग को यही दर्जा मिला कि आप लोग के नाम पर FIR होगा, ये होगा वो होगा, तो ये क्या बात है। अगर करना है तो करके दिखाए FIR, और हम लोग भी दिखाएंगे हम लोग क्या है। सर आप संगठन को मजबूत करके सरकार तक संदेश क्यों नहीं पहुंचाना चाहते हैं सर कि हम लोग इतना काम किए हैं, कोरोना काल में काम किए हैं, लोगों को छोटी से छोटी बीमारी का इलाज करते हैं। हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। आज जो हम लोग संगठन बना रहे हैं ये सरकार से लड़ने के लिए कर रहे हैं कि हम लोग क्यों उस तरह से बोल रहे हैं, और हम लोग को प्रशिक्षण दे और हम लोग से काम ले, और सभी जितने प्रैक्टिशनर है सब अपना अपना 10 साल 5 साल अपना प्रैक्टिस करके अपना गांव के हाथ में छोटे छोटे मरीज को देखते हैं और उसका इलाज करते हैं, उसके बाद भी सरकार हम लोग को संज्ञान देती है। आप लोग झोला छाप यही पर दुख, आज की बैठक के बाद सर आगे आप क्या कार्रवाई करिएगा। सर आगे हम लोग करवाएंगे, सरकार से लड़ेंगे कि क्यों इस तरह से बोल रहे हैं, उस पर हम लोग करेंगे, हम लोग सब उसी का तय कर रहे हैं, हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना है विचार कर रहे हैं, हम लोग सब संगठन में यही है। महाविद्वार से है और आज लगभग 30-35 साल से हम ट्रेनिंग एक MBBS डॉक्टर का ट्रेनिंग लेके अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मरीज हमसे जितना हो पाता है उतना ही तक देखते हैं, बाकी उनका इलाज भी आगे हेल्थ सेंटर में करवाते हैं। मेरा यही कहना है सरकार से कि आज सरकार ने जो आपका आंगनबाड़ी केंद्र में जो स्वास्थ्य का किट दे के रखी है, आंगनबाड़ी में मेडिसिन देके रखी है, पल्स ऑक्सीमीटर, इंस्ट्रूमेंट, वेट मशीन, लेकिन वहां पर आप जाके देखिए वहां का मशीन भी सड़ रही है, दवा भी एक्सपायर हो रही है। पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भी जाके देखिए बहुत सारा दवा सरकार मुहैया करके रखी है मगर वहां का दवा भी एक्सपायर हो रही है। आज अगर वो काम हम आज जो 20 साल का हमारे सभी ग्रामीण जो प्रैक्टिस कर रहे हैं 20-30 साल का अनुभव है और अच्छे अच्छे जगह से लोग ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं तभी कर रहे हैं, इसी बात को लेकर हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। सरकार एक आंगनबाड़ी का सहयोग को दे दिया है एक दिन का ट्रेनिंग, और उनको बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी दे दिया है और बहुत सारा मेडिसिन भी दिया है, सारा एक्सपायर हो रहा है। सरकार यदि वो काम अगर हम लोगों के ऊपर सौंपेगी तो आज सरकार का बहुत बेनिफिट होगा, बहुत लाभ होगा। मेरा यही कहना है कि जो आंगनबाड़ी में मांग कर रहे हैं सर कि दायित्व हम पर सौंपा जाए, आप लोग हाँ हम सरकार यही मांग कर रहे हैं कि आज जो आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र में जो मेडिसिन एक्सपायर हो रही है और हमारे आम जनता के पास नहीं पहुंच रही, आम जनता उसका लाभ भी नहीं ले पा रही है, एक्सपायर दवा वो
जो है रिटर्न हो जा रहा है, एक्सपायर बेकार हो जा रहा है, वो काम हम पर सौंपा जाए, वो दायित्व हमें दिया जाए, तो सरकार का बहुत माता जी हैं, बहुत ही अनुभव भी है। और हम इनसे पूछना चाहेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि सर आप पूरे जीवन काल में लोगों का सेवा करते आ रहे हैं, सर आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग करते हैं कि ये जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक बंधु है, ये एकदम नदी नाला पहाड़ जहाँ भी है, जान जंगल हो, काटा सांप सबको सबका ये करके अपना जान को जोखिम में डालते हुए गांव में घर में जाकर सबसे सबका इलाज करते हैं, जो सभी ये है सरकार भी जानती है, लेकिन जानते हुए भी सरकार क्यों यही कर रही है। संगठन में मैं काफी दिनों से जुड़े हुए हूँ, मैं मेडिकल सर्विस सेंटर का सेंट्रल कमेटी का मेंबर भी हूँ, लेकिन हम संगठन चाहते हैं कि संगठन अभी भी कहते हैं कि जो हमारे चिकित्सक बंधु है सबको मिल के संगठन को बढ़ावे और सरकार से मांग करे। हम लोग का मांग ये है, जो हम लोग ये भी केंद्र सरकार को भी हम लोग अवगत कराए हैं, इसके पहले भी कुछ लोग गए हुए हैं, जो हम लोग बराबर इसके लिए आंदोलन करते हैं। पिछला साल भी हम लोग उपायुक्त महोदय को हम लोग डेपुटेशन दे चुके हैं, और इसके पहले भी हम लोग बराबर कुछ ना कुछ होते रहता है, वो सब हम लोग बराबर अवगत कराते हैं। इसके बाद भी अगर स्वास्थ्य मंत्री सरकार आपकी बातों को नहीं मानते हैं, स्वीकार में नहीं करते, तो सर आगे क्या करेगा आप? हम लोग अगर हम लोग ये कर देंगे, हम लोग एक दिन भी बंद कर देंगे ना, 5 दिन के लिए बंद कर देंगे, तो यहाँ का जनता बिना चिकित्सा से मरेगी, और इसके लिए भी हम लोग इसके लिए पूरा सरकार जिम्मेवारी होगी, तो गांव के लोगों के पूरी दिन आ जाएगी और गांव के लोगों का जो होगा इलाज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गांव की सरकार जो है सरकार गांव तक नहीं पहुंच पाती है, सरकार के जो चिकित्सक है, सरकार के जो दवा है गाँव तक नहीं पहुँच पाते हैं, सिलाह कह रहे हैं जो ग्रामीण चिकित्सक तस्वीर है लोग कह रहे हैं।